आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी कच्चे पपीते की सब्जी। तो कच्चे पपीते की आपने कई सारी रेसिपीज को ट्राई किया होगा, लेकिन आज हम इसकी सब्जी बनाएंगे जो हमारे लीवर के लिए काफी हेल्दी होती है और खाने में इतनी टेस्टी होती है कि आप मानेंगे ही नहीं कि आपने इसको कच्चे पपीते से बनाया है। तो जिस किसी को भी आप ये सब्जी खिला देंगे वो पता ही नहीं लगा पाएंगे कि आखिरकार ये है किस चीज की सब्जी, क्योंकि खाने में काफी हेल्दी होने के साथ टेस्टी भी है। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग विद काजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने कच्चे पपीते को अच्छी तरीके से पीसेस में कट कर लिया है और 3 से 4 बार बढ़िया तरीके से हमने धो लिया है। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 75 ग्राम कच्चे पपीते का यूज़ किया है। तो इसको आपको 2 से 3 बार बढ़िया तरीके से धो लेना है। तो इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। आप इसे किसी भी ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन तेल में इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, इसमें से धुआं निकलने लगे, तब इसमें हम सारे पीसेस को ऐड कर देंगे। तो पपीते को बहुत ज़्यादा हमें डीप फ्राई नहीं करना है, केवल हम इसको हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे। तो अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटा वाला चम्मच हल्दी पाउडर और अब इसमें हम ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक। तो हल्दी और नमक को हमें पपीते के साथ बढ़िया से मिक्स कर देना है। तो अभी हमने यहाँ पर किसी भी मसाले का यूज़ नहीं किया है। पहले हमें पपीते को थोड़ा सा फ्राई करके सॉफ्ट करना है, बाकी के मसाले हम उसके बाद में यूज़ करेंगे। तो इसको बढ़िया से आपको मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पर इसको हम कवर कर देंगे और इसको हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो बीच बीच में आपको इसको चलाते रहना है ताकि जो पपीते हैं वो नीचे से बिल्कुल भी ना जले। तो बीच बीच में आप इसको 1 से 2 बार चला दें। तो आपको गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है ताकि जो हमारे पपीते हैं वो बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। तो इसको कवर करके लगभग हम 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कि यहाँ पर जो पपीते हैं वो बढ़िया तरीके से फ्राई हो गए हैं। तो अब इसको हम चेक करेंगे। तो देखिए अच्छी तरीके से ये गल गए हैं। तो हमारा जो पपीता है वो फ्राई होकर बिल्कुल तैयार है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के लिए आप इस तरीके से इसको निकालें ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में ही रह जाए और केवल आपको पपीते को बाहर निकाल लेना है। तो हमारे जो पपीते हैं वो बहुत ही कम तेल में बढ़िया तरीके से फ्राई होकर तैयार है। तो इसको बनाने के लिए अब हम और तेल का यूज़ नहीं करेंगे। जितना हमने तेल लिया था उसमें से इतना जो तेल बचा है इसी में हम सब्जी को बनाएंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और जीरे को अच्छे तरीके से भूनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन। तो लहसुन से सब्जी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसको भी कुछ सेकेंड्स के लिए हम बढ़िया से भून लेंगे। तो गैस की फ्लेम आपको मीडियम ही रखनी है। तो यहाँ पर देखिए लहसुन और जीरा बढ़िया तरीके से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। तो इस सब्जी में प्याज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखी है ताकि जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर आप ज़्यादा प्याज नहीं पसंद करते हैं तो आप मात्रा को कम भी रख सकते हैं। और इसको भी हम ट्रांसपेरेंट होने तक बढ़िया तरीके से भून कर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज भी भून के तैयार हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े साइज के टमाटर। तो टमाटरों को ना ही तो मैंने बहुत ज़्यादा बारीक करा है और ना ही बहुत मोटा रखा है। तो अगर आप इसको चाहें तो आप यहाँ पर टमाटर का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और इसको भी हम कुछ सेकेंड्स के लिए बढ़िया से फ्राई करेंगे जब तक ये जो टमाटर हैं वो हल्के से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप थोड़े बड़े बड़े पार्ट लेते हैं टमाटर के तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक का यूज़ हमने पहले भी करा है तो आपको थोड़े ही नमक का यहाँ पर यूज़ करना है। तो इसको भी बढ़िया से मिक्स कर देंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छी तरीके से जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो टमाटरों को जल्दी से सॉफ्ट करने के लिए हम इसको कम से कम 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको बढ़िया से हम कुक करेंगे। तो 2 मिनट के बाद इसको हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसको अच्छे से आपको एक बार मिक्स कर देना है। तो अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो जिसमें मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तो मेरा यहाँ पर छोटा चम्मच है तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है। आप यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जिससे सब्जी में बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। और अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और हल्दी का यूज़ हमने पहले भी किया था तो बहुत ही थोड़ी सी हम यहाँ पर हल्दी को डालेंगे और सारे मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है।
तो मसाले हमारे जले नहीं, उसके लिए हम यहाँ पर थोड़े से पानी को डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच पानी ऐड किया है। तो पानी को डालने से जो आपके मसाले हैं वो बिल्कुल भी जलेंगे नहीं और बहुत ही अच्छी तरीके से भुनकर ये तैयार होंगे। तो थोड़ा सा इसको मिक्स कर देते हैं। तो लगभग मीडियम फ्लेम पर इसको हम 4 से 5 मिनट तब तक इसको पकाएंगे जब तक इसमें से तेल अलग नहीं हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मसालों से तेल अलग हो गया है क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत ही कम तेल का यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमारे जो मसाले हैं वो भुनकर बढ़िया तरीके से तैयार है। तो अब जो हमने पपीते को फ्राई करके रखा था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अगर आपको रेसिपी थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सब्जी को हमने मसालों के साथ बढ़िया तरीके से मिक्स कर दिया है। तो इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरीके से पेटल्स में कट करके लिया है, थोड़े बड़े बड़े पार्ट में, जिसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और 3 से 4 हरी मिर्च को इस तरीके से मैंने लंबे में कट करके लिया है। तो इससे जो सब्जी का लुक है वो भी बढ़ जाता है और इसका जो स्वाद है वो भी कई गुना बढ़ जाता है। तो इसको भी हम बढ़िया से मिक्स कर देंगे। तो इस सब्जी को आप 2 तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी रसे वाली पसंद है तो आप यहाँ पर 2 बड़े कप पानी ऐड कर सकते हैं और अगर आपको ड्राई पसंद है तो आप इसको इसी तरीके से बना सकते हैं। तो अब इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे हम कसूरी मेथी, जिसको अच्छे से क्रश करके आपको ऐड करना है। लगभग 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ऐड करी है। तो सारी चीज़ों को हम बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे और अब इसको हम कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। तो पपीता हमारा पहले ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका था, गल भी चुका था, तो बहुत देर के लिए हमें इसको अब कुक नहीं करना है। तो हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी पपीते की सब्जी बनकर तैयार है। तो जिसको आप पराठों के साथ सर्व करिए या फिर रोटी के साथ, हर तरीके से ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आपको पास से भी दिखाते हैं। तो देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है। तो जितनी टेस्टी है देखने में लग रही है उतनी टेस्टी है खाने में लगती है। तो अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो झटपट से आप इस सब्जी को बनाकर तैयार करिए और सबको खिलाइए, सब आपकी बहुत तारीफ करेंगे। कोई यकीन नहीं करेगा कि इस टेस्टी सी सब्जी को आपने कच्चे पपीते से बनाया है। तो एक बार आप भी इस तरीके से सब्जी को ज़रूर बनाकर देखिए। तो जब भी कभी आपका कुछ चटपटा सा और हेल्दी खाने का मन करे तो कच्चे पपीते की सब्जी को ज़रूर बनाएं, आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी टेस्टी और आसान सी रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।